देखिए यहाँ के बाद क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग को पूरी तरह से परफेक्ट स्क्वायर बनाने आ गया था। यहाँ के बाद एक नया पैटर्न का क्वेश्चन हो जाता है और इस पैटर्न को सीखने का कोशिश करिएगा, क्योंकि उसमें इस क्वेश्चन में जो आगे हम जो करने जा रहे हैं उसमें आपको क्वाड्रेट लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक मिलेगा, है ना, लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक वाला सारा फार्मूला मिलेगा या लीनियर बाई क्वाड्रेटिक वाला मिलेगा। तो आप इसको बनाने सीखो, कैसे बनाया जाता है, क्या तरीका होता है। उसका तरीका ये होता है कि ये जो आपको दिख रहा है लीनियर उसको आपको भूल जाना है और नीचे जो फंक्शन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक रूट को भूल जाओ, क्वाड्रेटिक जो दिया है उसका डिफरेंशिएशन अपने मन से ऊपर सेट करना है। तो यहाँ पे तो साफ अगर देखो तो ये 2x² + x - 3 है, तो अगर इसको टी पुट कर दो तो डायरेक्ट डी सी नज़र आ रहा है, 2x² × 2×4x और +1 का 1, यानी कि ये क्वेश्चन तो और आसान हो गया। क्योंकि हम लोग अगर इसको ऐसे समझें, ये 2x² + x - 3 का पावर -1/2 है, या एक काम करो, मैं दो मेथड से बता रहे हैं। एक मेथड ये जो बता रहे हैं इसको हो सकता है नहीं समझ पाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेथड टू से भी बताएंगे। 2x² + x - 3 है और इस फंक्शन का डीसी क्या होगा, 2×4x और +x का +1 और फिर dx, ऊपर 4x + 1 डायरेक्ट विराजमान है, यानी कि ये हो गया फंक्शन का पावर n और यहाँ पे f(x), यानी कि फार्मूला क्या हो जाएगा, fx का पावर n+1/n+1। तो fx क्या है, यही ना fx है, यानी कि 2x² + x - 3 का पावर -1/2+1/-1/2+1+c। तो ये -1/2 में अगर 1/1 जोड़ें तो आधा में 1 जोड़ें तो आधा बचेगा, आधा मतलब रूट अंडर 2x² + x - 3। यहाँ भी आपका 1/2 बचेगा, तो 1/2 को हम 2 लिख सकते हैं और +c, ये आंसर हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि इस फंक्शन में पुट कर दो नीचे वाला जो क्वाड्रेटिक है 2x² + x - 3, इसको आप टी पुट कर दो, तो डीसी क्या होगा, 4x² फिर +x का +1 और x का लिखते हैं हम लोग dx और ये t का हो जाएगा dt। तो ये 4x² + 1 dx के जगह पे, ये पूरे जगह पे हम लिख सकते हैं dt और नीचे हो जाएगा रूट अंडर t। क्यों हो जाएगा t, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपने 2x² + x - 3 को टी पुट किया है। तो ये एक्चुअल में हो गया है आपका इंटीग्रेशन t का पावर -1/2 और dt। तो भैया क्या हो जाएगा, t का पावर -1/2 + 1/-1/2 + 1 + c। तो ये हो जाएगा t का पावर 1/2 और नीचे आएगा एक्चुअल में 1/2, तो 1/2 ऊपर जब जाएगा तो 2 हो जाएगा और रूट अंडर t + c, तो आप लिखते ही हो, तो 2√t क्या था, तो t आप यही पुट किए थे 2x² + x - 3 + c, हो गया आंसर। ठीक है, हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। अब बढ़ते हैं हम लोग 17 पर। यहाँ भी कुछ इसी तरह से है कि इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 और डिवाइडेड बाई √x² - 1। तो नीचे वाला जो फंक्शन है उसका डीसी आप ऊपर देख सकते हैं, है ना, ऊपर डीसी लिख ही दीजिए, सोचे समझे लिख ही दीजिए। x² - 1 का डीसी क्या होगा, 2x, x² का डीसी हो जाता है 2x, तो 2x तो है, तो हो ही गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0, लेकिन हमको तो यहाँ पे x + 2 लाना है, तो यहाँ पे आपको 1/2 लिखना होगा और 1/2 तो ये 2 से कट के x आ जाएगा, लेकिन अलग से +2 तो लिखना ही पड़ेगा, यानी कि हम लोग x + 2 को इस तरह से लिखें, 2 कट जाएगा और x + 2 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई √x² - 1 dx। अब क्या होगा कि इसको इसमें और इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो 1/2 इंटीग्रेशन 2x अपॉन √x² - 1 और +2 और इंटीग्रेशन 1/√x² - 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 1/2 हो गया और x² - 1 का पावर आप नीचे में रूट है तो ये ऊपर में -1/2 लिख सकते हैं और इसका डीसी आपका 2x है और dx है और +2 और इंटीग्रेशन dx अपॉन √x² - 1 स्क्वायर। ठीक है ना, x² - 1 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो डायरेक्ट आप देख रहे हैं कि फंक्शन का पावर n और इस फंक्शन का डीसी है, वैसे तो 1/2 बाहर और x² - 1
का पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन और डिवाइडेड बाई माइनस वन बाई टू प्लस वन, और प्लस टू बाहर और वन बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा एल एन मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये तो एक्स स्क्वायर माइनस वन ही है, तो ये कितना हो जाएगा नीचे वन बाई टू आएगा इस वन बाई टू से खल्लास, ये आपका प्लस में वन बाई टू आएगा तो उसको अंडर रूट कर दो तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और प्लस टू एल एन मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, प्लस ही तो आप लिखोगे है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसमें रूट अंडर नहीं लगा हुआ है तो भी बनेगा उसी तरह से है ना। सबसे पहले आप क्या करें कि ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट थ्री है, इससे मुक्त हो जाए आप। कैसे? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको काम करना ही पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ आप लिख दें थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और प्लस वन, लिख सकते हैं। थ्री जबरदस्ती कॉमन ले लीजिए, थ्री जबरदस्ती, या एक काम करें सबसे पहले तो हम आपको यही बताए थे कि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर सेट करिए, तो वही करिए आप। तो ये कितना होगा डी सी इसका, तीन दुना के छः एक्स और प्लस दो एक्स का डिफरेंशिएशन दो है ना, तीन दुना के छः एक्स और प्लस दो, ऊपर वाले के जगह पे ही लिखा जाता है, ठीक है ना। अब कहोगे सर क्वेश्चन में तो फाइव एक्स माइनस टू है, आप ये लिख दिए, तो हम कहेंगे अब रीअरेंजमेंट होगा, उस रीअरेंजमेंट पे आपको ध्यान होना चाहिए है ना। समझने के लिए क्या लाना है, पाँच एक्स लाना है, यहाँ पे छः है तो पाँच बटे छः से मल्टीप्लाई कर दो, छः से छः कट जाएगा अंदर जाएगा तो, और पाँच एक्स आ जाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ जब ये इधर भी जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, दो से छः कटेगा दो तीया छः, यानी कि पाँच बटे तीन एक्स्ट्रा आएगा, तो तुरंत आप क्या कर दो माइनस पाँच बटे तीन। लेकिन पहले से तो माइनस टू है तो वो लिखना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इस पाँच बटे छः को अंदर भेजोगे तो ये छः छः कट के पाँच एक्स आएगा, अब प्लस दो तीया छः यानी कि प्लस पाँच बटे तीन आएगा, वो माइनस पाँच बटे तीन से कैंसिल आउट, माइनस टू पहले से आ जाएगा और ये डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो डिवाइड है उसको इसमें भी इसमें भी रीअरेंज करना होगा, तो ये बाई वन करके एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा तीन, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस पाँच और माइनस तीन दुना के छः, तीन दुना के छः, तो छः और पाँच ग्यारह, तो माइनस ग्यारह बटे तीन, यानी कि ये हो जाएगा माइनस ग्यारह बटे सॉरी अगले स्टेप में करेंगे ना। तो एक काम करते हैं, इस डिवीज़न को डिस्ट्रीब्यूट कर ही देते हैं, तो ये पाँच बटे छः बाहर और इंटीग्रेशन सिक्स एक्स प्लस टू आर डिवाइडेड बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन और डी एक्स, और ये आ जाएगा माइनस ग्यारह बटे तीन इंटीग्रेशन वन बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन डी एक्स, ठीक है। अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे आगे, ठीक है, अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे आगे। तो अगर इस फंक्शन को देखो, ये जो फंक्शन है अगर इसको देखो तो ये ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है फाइव बाई सिक्स और इंटीग्रेशन वन बाई ऐसे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, और ये वन बाई फंक्शन हो गया, अब वन बाई फंक्शन के बगल में एफ डी सिक्स मैंने इस फंक्शन का डी सी, तीन गुना के छः एक्स प्लस टू है, यहाँ पे सिक्स एक्स प्लस टू है, तो इसका इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं एल एन एफ एक्स प्लस सी, लेकिन इसको हम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए ये वाला तीन को जबरदस्ती कॉमन लेंगे तो ये तीन तिया नौ हो जाएगा, तो ग्यारह बटे नौ ले लो, और इंटीग्रेशन वन बाई इसको क्या लिख दोगे आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई थ्री एक्स और प्लस वन बाई थ्री डी एक्स हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाइव बाई सिक्स है एल एन मॉड थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, माइनस इलेवन बाई नाइन तो पहले से बाहर है और इसको परफेक्ट स्क्वायर में करना पड़ेगा, तो ये वन बाई इसको हम लिख देंगे एक्स प्लस एक्स का जो कोफिशिएंट है दो बटे तीन उसका आधा करेंगे, तो दो बटे तीन का आधा का मतलब दो से डिवाइड करना, दो से दो कट गया यानी कि वन बाई थ्री, तो इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो एक्स प्लस वन बाई थ्री का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। लेकिन तुरंत हम क्या करते हैं कि वन बाई थ्री के होल स्क्वायर से घटाते हैं और पहले से जो प्लस वन बाई थ्री है वो रहेगा डी एक्स, ठीक है। इसको तो अब झेलते जाना है, फाइव बाई सिक्स और एल एन मॉड थ्री एक्स स्क्वायर
प्लस टू एक्स प्लस वन, है ना, मैथमेटिकली प्लस सी लिखना चाहिए एक छोटा सा सी वन चाहे सी टू, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसका इंटीग्रल कॉन्स्टेंट तो आएगा ही। माइनस 11 बाई 9, और ये क्या करें, इंटीग्रेशन 1 बाई, इसको अगर देखें आप तो x प्लस 1 बाई 3 का होल स्क्वायर है, और इसको आपको रफ में करना होगा, तो ये हो गया माइनस 1 बाई 9 और प्लस 1 बाई 3, तो इसका एलसीएम ले लो आप तो 9 आएगा, तो माइनस 1 और 3 तिया 9, तो यानी कि प्लस 3, यानी कि आ जाएगा प्लस 2 बाई, आप ऐसे लिख लें रूट अंडर, यह आएगा दो लेकिन आप लिख लें रूट अंडर 2, और 9 को लिख लें 3 और इसका स्क्वायर, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो बनाना ही पड़ता है। उसके बनाने के बाद अब आंसर करना है, अब क्या करना है आपको, आंसर करना है, डिवाइडेड बाई रहेगा आपका, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/6 एल एन मॉड 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस 11 बाई 9 माइनस 11 बाई 9, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला, तो 1 बाई ए, तो a के जगह पे ये है, यही ना ए स्क्वायर है, और ये हमारा x स्क्वायर है ये पूरा, तो 1 बाई ए का मतलब 1 बाई रूट अंडर 2 और बाई 3, और टेन इनवर्स x बाई ए, तो x प्लस 1 बाई 3, एक्स प्लस 1 बाई 3, और बाई ए का मतलब रूट अंडर 2 बाई 3 और प्लस सी, ठीक है। अब ये तीन एक्चुअल में ऊपर जाएगा, तो वो तीन जब ऊपर जाएगा तो ये 9 से कट जाएगा, यानी कि तीन तिया ना कर लो आप, तो फाइनल जो आंसर होगा आपका वो आ जाएगा 5/6 एल एन मॉड 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस 11 बाई 3 रूट अंडर 2 और 10 इनवर्स के अंदर, देखिएगा यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 3x प्लस 1 होगा, तो यहाँ पे लिख दे 3x प्लस 1 और डिवाइडेड बाई यहाँ का जो एलसीएम 3 है वो 3 से कट जाएगा, तो ये रूट अंडर 2 बस बचेगा, प्लस सी लिख दें आप, तो यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 इंटू x माइनस 4, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले आप ये जो नीचे देख रहे हो ना, नीचे जो देख रहे हो इसको मल्टीप्लाई करो आप सबसे पहले, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया 6x प्लस 7 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर, x में x का करोगे तो x स्क्वायर, माइनस 5 और माइनस 4 जोड़ो तो माइनस 9, तो ये माइनस 9x हो जाता है, और माइनस माइनस प्लस पंचों के 20, ठीक है हो गया। अब हम आपको क्या बताया था कि ऊपर वाला जो नंबर दिख रहा है ना उसको भूल जाना है, और नीचे वाला का जो डिफरेंशिएशन है उसको इसके जगह पर रिप्लेस कर देना है, तो एक्स स्क्वायर का डीसी 2x और माइनस 9x का 9, ऊपर 6x प्लस 7 नहीं लिखेंगे यही लिखेंगे। अब क्वेश्चन तो चेंज हो गया, तो क्वेश्चन कैसे लाए, तो यहां पे सोचो कि 6x लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 दुना के 6x आ गया, लेकिन प्लस 7 भी लाना है वो नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, तो माइनस का 27 आ रहा है, तो माइनस का 27 आ रहा है हमको प्लस का 7 चाहिए, तो पहले तो माइनस का 27 आ रहा है तो क्या कर लो आप, प्लस का 27 कर लो, ताकि 9 या 27 माइनस 27 और प्लस 27 कट जाए, और पहले से प्लस 7 उसको लिख लो, और डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर वैसे बना सकते हो, है ना, लेकिन अगले स्टेप में बनाएंगे। अब क्या करें कि एक बार इस फंक्शन को इसमें एक बार इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये हो गया 3 बाहर इंटीग्रेशन 2x माइनस 9 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और dx और प्लस फिर इंटीग्रेशन 27 और 7 को जोड़ देंगे तो 7 14 यानी कि 34 हो जाएगा, है ना, और डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx हो गया। अब क्या करना है इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को, तो यहाँ पे देखिए यही पे करते हैं, इसको हम लोग ये पूरा तो रूट में है तो इसका मतलब 3 बाहर और हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9x, ध्यान से समझिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 20 और उसका पावर माइनस 1/2 और बगल में उसका डी सी 2x माइनस 9 dx हो गया और प्लस
इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये 34 और डिवाइडेड बाई क्या करें परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर x माइनस 9 बाई टू का होल स्क्वायर, x माइनस 9 बाई टू का होल स्क्वायर। और तुरंत 9 बाई टू अगर लिखे हैं तो माइनस 9 बाई टू का होल स्क्वायर घटाएंगे ताकि वो प्लस बी स्क्वायर जो है वो मैनेज हो जाए। अब प्लस का 20 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब अगला स्टेप देखिएगा, ये हमारा फंक्शन का पावर एन और फंक्शन का डीसी यहाँ है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है आपका एक्स स्क्वायर यानी कि जो फंक्शन है वो का पावर एन प्लस वन, तो माइनस वन बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन बाई टू प्लस वन, पहले से तीन है तो वो रहेगा, ठीक है जी, पहले से तीन है तो वो रहेगा। और वहां पे प्लस 34 बाहर इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर अंडर रूट के अंदर आप लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, x माइनस 9 बाई टू का होल स्क्वायर, और इसको आपको रीअरेंज करना होगा पहले तो ये ननवा 81 हुआ, अब बटे में दो दुना के चार, अब प्लस ये माइनस में प्लस 20 बाई वन, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 4, तो माइनस 81 प्लस 281 यानी कि माइनस 1 बाई फोर, यानी कि माइनस 1 बाई फोर को हम लोग माइनस 1 बाई टू का होल स्क्वायर लिख दें, ठीक है। तो ये आपका हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, बार बार हम ये बात बोल रहे हैं। तो ये प्लस 1 बाई टू आएगा, तो प्लस 1 बाई टू उधर ऊपर जाएगा तो 1 बाई टू का ऊपर जाएगा 2 यानी कि 3 दुना के 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 20, क्यों, क्योंकि ये प्लस 1 बाई टू आएगा यानी कि रूट अंडर। अब ये प्लस क्या हो जाएगा 34 और ये लॉग लॉग एक्स प्लस है ना, तो एक्स के जगह पे अब क्या है, एक्स क्या है हमारा, तो एक्स हमारा ये पूरा है, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट है, तो लॉग में एक्स जो होगा वो हमारा लिखा आएगा एक्स माइनस 9 बाई टू है ना, और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स माइनस 9 बाई टू, या इसके जगह पे तो ये होगा आपको मालूम होगा, और इसका मतलब हुआ कि ये कहानी क्या है ये, और ये कहानी के ऊपर वाली कहानी अब हमें याद नहीं आ रही है, तो एक काम करते हैं इसको लिखते ही हैं, एक्स प्लस वन 9 बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1 बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस 34 और ये हो जाएगा लॉग मॉड एक्स माइनस 9 बाई टू और प्लस, इसको मन में ही मन तोड़ो, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, जब करेंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू 9 बाई टू, तो 2 2 कट जाएगा तो माइनस 9x आएगा, और प्लस का क्या जाएगा 81 बटे 4, क्योंकि प्लस का बी स्क्वायर आएगा, और माइनस 1 बाई 4 यानी कि आप लिख सकते हैं प्लस 80 बटे 81 में से 80 बटे 4, ठीक है ना, प्लस सी। यानी कि प्लस में 80 बटे 4 और प्लस सी, ठीक है, ये आपका पूरा अंडर रूट में रहेगा। जो 80 बटे 4 आया हुआ है उसको काट सकते हैं, 4 दुना के 8 यानी कि 20, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है ना। तो इस तरह से कंप्लीट आंसर आ गया हमारा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 2 आर डिवाइडेड बाई 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे कि नीचे वाला जो फंक्शन है उसका डीसी जबरदस्ती लिख दो आप, तो नीचे जबरदस्ती लिखोगे तो क्या आएगा, नीचे का डीसी माइनस 2x और प्लस 4, तो माइनस 2x प्लस 4 तो है नहीं, तो यहाँ पे x है तो कैसे उसको मैनेज करोगे, नीचे तो तुम्हारा रहेगा अंडर रूट कितना 4x माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन ऊपर तो तुमको x प्लस 2 लाना है, तो ये माइनस 1 बाई 2 से पहले मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, दो दो कट गया x आ गया, फिर ये अंदर जाएगा तो माइनस दो दुना के 4, तो माइनस 2 आएगा है ना, दो दुना के 4 2 आएगा माइनस 2, तो प्लस 2 लाना है, यानी कि आप अगर माइनस 2 आ रहा है, सुनना ध्यान से, अगर ये माइनस 2 आ रहा है तो पहले प्लस 2 लिख के मैनेज करो, और फिर प्लस 2 लाना भी है तो प्लस 2 और लिखो। अब एक बार करके देखो, माइनस माइनस प्लस, दो दो कट गया तो एक्स आ गया, फिर माइनस आएगा दो दुना के 4 यानी कि प्लस 2 आएगा,
सॉरी माइनस दो आएगा, प्लस दो से माइनस, अब प्लस दो पहले से, ठीक है, और dx। अब क्या करें, तो अब आपको क्या करना है कि बारी बारी से इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट करना है अंडर ये डिवाइड वाला पोर्शन को। तो माइनस वन बाई टू बाहर इंटीग्रेशन माइनस टू एक्स प्लस चार और डिवाइडेड बाई अंडर रूट फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब प्लस ये दो दो चार हुआ, यानी कि चार बाहर कर लो और dx अपॉन ये हो जाएगा हमारा फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है। इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो, माइनस वन बाई टू बाहर है, इसको ऐसे लिख लो इंटीग्रेशन फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का पावर कितना, वन बाई टू नहीं बल्कि माइनस वन बाई टू। और इस फंक्शन का डीसी यहाँ बगल में डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स और प्लस फोर, तो इसको तो अगली बार में इंटीग्रेट कर ही देंगे, लेकिन इसका तो काम बाकी है। इसको क्या करें, इसको तुमको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें माइनस कॉमन लो अंदर। तो अंदर जब माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर और ये बनेगा माइनस फोर एक्स, ठीक है। अब उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, फंक्शन का पावर एन और बगल में एफ डे सिक्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू तो बाहर है, फंक्शन जो हमारा है फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर उसका पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन बाई टू प्लस वन और प्लस फोर बाहर, और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, अंडर रूट के अंदर माइनस कॉमन, इसको हम क्या लिखेंगे, चार का कोफिशिएंट का आधा क्या हो जाएगा दो, इसका मतलब एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर लिख दिए, उसे क्या होगा एक्स स्क्वायर आएगा माइनस टू ए बी से माइनस चार एक्स आ जाएगा, लेकिन प्लस बी स्क्वायर एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो माइनस दो का स्क्वायर कर लो, मैनेज हो गया है ना, क्योंकि प्लस दो का स्क्वायर आएगा उसमें, प्लस दो का स्क्वायर आएगा उसमें। अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये जो वन बाई टू आएगा प्लस में वो वन बाई टू से कट जाएगा तो माइनस बचेगा, और ये प्लस वन बाई टू होगा यानी कि अंडर फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस वन बाई टू बचेगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा प्लस चार, और इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ये माइनस अब अंदर भेज दो तो ये प्लस में हो जाएगा, तो दो का स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। तो अब साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला, क्योंकि वन बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स हमारा हो गया एक्स माइनस टू और ए हो गया हमारा टू और प्लस सी, ठीक है। इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। इसमें अगर नीचे का डीसी देखें तो ऊपर मैच कर सकता है क्या, टू एक्स प्लस टू है, तो टू एक्स प्लस टू तो है नहीं, फिर भी हम एक्स प्लस टू की जगह पर क्या लिखेंगे, टू एक्स प्लस टू लिखेंगे, और नीचे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री का अंडर रूट। ऊपर वाला में तो x प्लस टू है तो 2 एक्स्ट्रा है तो 1 बाई टू कर दें। अब ये अंदर जाएगा तो ये 2 बढ़ते 2 होगा, कट के 1 आ जाएगा, यानी कि हमको एक और 1 की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से प्लस 1 आएगा और एक 1 लिख देंगे तो 2 मैनेज हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा अलग अलग, इसको इसमें इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और प्लस इंटीग्रेशन वन बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स, ठीक है। अब क्या करें, अब क्या करें, तो यहाँ पे वन बाई टू हो गया, इसको आप लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, डिनोमिनेटर में रूट है यानी कि वन बाई टू डिनोमिनेटर में है, ऊपर आएगा तो माइनस वन बाई टू और टू एक्स प्लस टू रहेगा, प्लस इंटीग्रेशन वन बाई इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो क्यों, एक्स का कोफिशिएंट दो है तो दो का आधा वन, तो आएगा क्या ए स्क्वायर टू ए बी से टू एक्स प्लस वन स्क्वायर एक्स्ट्रा आएगा तो माइनस वन स्क्वायर, अब पहले से प्लस तीन है तो ये रहेगा, ठीक है जी। अब क्या हो जाएगा हमारा अगले स्टेप में आंसर, कैसे देखिएगा, देखिएगा जरा, ये 1 बाई टू तो बाहर है रहेगा, और फंक्शन का पावर, क्योंकि फंक्शन का पावर n और बगल में एफडे से एक्स डी एक्स है, ठीक है। तो फंक्शन जो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और प्लस थ्री, उसका पावर हो जाएगा माइनस वन बाई टू प्लस वन प्लस सी वन, और प्लस में
इसका इंटीग्रेशन में हम एक स्टेप अभी लिखते हैं, dx अपॉन ये हो जाएगा हमारा x प्लस वन का होल स्क्वायर, अंडर रूट में तो रहेगा ही, और ये हो जाएगा प्लस का तीन में से गया दो यानी कि रूट अंडर टू का स्क्वायर, क्योंकि दो आएगा तो उसको स्क्वायर में भी तो बदलना है, ठीक है, तो रूट अंडर टू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, ये छूट रहा है माइनस वन बाई टू प्लस वन छूट रहा है, तो इससे ये कटेगा क्योंकि प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई टू ही आएगा, यहाँ भी एक में से आधा कटता है तो आधा ही बचता है ना, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और प्लस थ्री का पावर वन बाई टू को मतलब अंडर रूट, और प्लस सी वन और प्लस इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट है, तो ये कितना हो जाएगा लॉग वाला फार्मूला, तो लॉग मॉड एक्स, एक्स की जगह पे है हमारा एक्स प्लस वन और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो यही है, ये है मतलब ये है, और इसके पहले वाला जो स्टेप था वो ये था एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, तो इसको लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, है ना, सारा कुछ आपको समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो ये c1 और वो c मिलके एक नया कॉन्स्टेंट जनरेट कर लेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री और प्लस लॉग मॉड एक्स प्लस वन और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री प्लस कैपिटल c लिख दो, इसको c2 कर दो, ठीक है ना, दोनों c1 और c2 मिलके एक नया कॉन्स्टेंट c बना लेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब देखिए इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन फिर वही है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर सेट करिए, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x माइनस 2, है ना, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 2, और x प्लस 3 लाना है तो ये पहले 1 बाई 2 लिखें ताकि 2 2 कट के x आए, और जब यहाँ से यहाँ होगा तो 2 बटे 2 कट के माइनस 1 आएगा, तो माइनस 1 नहीं लाना है, लाना है प्लस 3, तो प्लस 1 करके पहले माइनस 1 को मैनेज किए क्योंकि माइनस 1 प्लस 1 जीरो हो गया, और फिर प्लस थ्री, डायरेक्ट चार भी लिख सकते थे वो आपकी मर्जी है, ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव का इंटीग्रेशन, अब ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट दोनों में, इसमें और इसमें, तीन और एक चार में, तो वन बाई टू इंटीग्रेशन टू एक्स माइनस टू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव, और प्लस यहाँ पे तीन और एक चार हो जाएगा, और इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं वन बाई टू और इंटीग्रेशन वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव, यानी कि वन बाई फंक्शन और बगल में इसका डी सी टू एक्स माइनस फाइव, तो वन बाई फंक्शन और एफ डेस एक्स का डी सी एल एन एफ एक्स प्लस सी हो जाता है, तो वो कर लेंगे, प्लस ये जो चार होगा वो बाहर, और इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लिखिए क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट दो है तो आधा वन होगा, तो प्लस का वन स्क्वायर आएगा, तो प्लस का वन स्क्वायर आएगा तो माइनस वन का स्क्वायर कर दिए, और माइनस पाँच पहले से है उसको भी लिख दिए, वन का स्क्वायर और माइनस पाँच, तो पाँच और एक छः हो जाएगा, तो छः माइनस में आएगा तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस माइनस रूट अंडर सिक्स का स्क्वायर, लिख दिए, बाकी सब वही रहेगा। इसका डी सी क्या हो जाएगा, वन बाई टू बाहर और एल एन मॉड एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस फाइव प्लस सी वन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फोर बाहर, फोर बाहर और डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट है नहीं और माइनस है बीच में, तो वन बाई टू ए वाला फार्मूला, तो वन बाई टू इंटू ए, ए के जगह पर हमारा रूट अंडर सिक्स है, और एल एन मॉड एक्स माइनस, तो एक्स के जगह पे हमारा एक्स माइनस वन है, तो एक्स हो गया माइनस रूट अंडर सिक्स और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए और प्लस सी, तो ये दो दुना के चार कट गया, ठीक है जी, तो ये हो जाएगा वन बाई टू एल एन मॉड एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव और प्लस टू बाई रूट अंडर सिक्स है, तो आप काट भी सकते हो वैसे, आंसर को देख लिया जाए, ठीक है, आंसर वन बाई टू है, एल एन है, सब सही है, सब सही है, ये टू बाई रूट अंडर सिक्स भी है और एल एन मॉड बिल्कुल हूबहू यही आंसर है, एक्स माइनस वन माइनस रूट अंडर सिक्स
डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन प्लस रूट अंडर सिक्स प्लस सी। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहानी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 3 आर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 है। तो फिर वही कहानी, नीचे का डीसी ऊपर जबरदस्ती करो, तो एक्स स्क्वायर का डीसी 2x और प्लस 4x का डीसी 4, इसको लिख दिए। अब 5x प्लस 3 लाना है, तो 5 बटे 2 लिख दो, 2 से 2 कटेगा 5x आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब अंदर भेजोगे तो ये कटेगा 4 से 2, तो 2 दुना 4 ऊपर में 2 और 5 से गुना तो 10, तो प्लस 10 तो एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो माइनस का 10 लिखो ताकि प्लस 10 माइनस हो पहले, आप प्लस 3 पहले से है तो प्लस का 3 लिख दो। डायरेक्ट तुम माइनस 7 भी लिख सकते थे, क्योंकि तुम देख रहे थे यहाँ पे 10 आ रहा है, तो 7 घटा देते तो 3 आ जाता वहाँ से भी, और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस पूरे को, तो ये 5 बाई 2 तो बाहर, और इसमें जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, और ये क्या आ जाएगा, तो माइनस का 7 इंटीग्रेशन dx ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ का डीसी क्या हो जाएगा, 5 बाई 2, और इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का पावर माइनस 1 बाई 2, क्योंकि नीचे में अंडर रूट है ना, और बगल में इसका डीसी यानी कि 2x प्लस 4 dx हो गया, इंटीग्रेशन करना है, और इसको अब बनाना होगा परफेक्ट स्क्वायर। तो कैसे बनाएं देखिएगा, इसको हम 4 का आधा होता है 2, तो एक्स प्लस ये अंडर रूट बना लीजिए, तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख दिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab से 2 दुना के 4x, अब प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 दुना के 4 2 स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस का 2 स्क्वायर कर दिए, माइनस का 2 स्क्वायर कर दिए। ठीक है, माइनस का 2 स्क्वायर कर दिए, प्लस का 10 पहले से है, प्लस का 10 लिख देंगे। ठीक है जी, 5 बटे 2 बाहर, और इस फंक्शन का पावर n, और बगल में f(x) यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, इसका पावर हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 1। ठीक है जी, और माइनस 7 बाहर इंटीग्रेशन dx ओवर अंडर रूट के अंदर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख देंगे 10 में से 2 दुना के 4 घटा तो 6 बचा, तो प्लस में रूट अंडर 6 का स्क्वायर, क्योंकि 6 बचेगा तो रूट अंडर 6 लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे आएगा एक्चुअल में प्लस 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 जब आएगा तो ऊपर जाएगा तो 2 होगा, तो 2 से कट जाएगा है ना, क्योंकि 1 बाई 2 ऊपर जाएगा तो 2 बाई 1 होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 5, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का पावर 1 बाई 2, क्योंकि माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 में आधा बचेगा, तो आधा का मतलब प्लस में बच रहा है तो अंडर रूट लग जाएगा। माइनस 7 बाहर, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा अंडर 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, याद करो 1 बाई में हो रहता है तो क्या हो जाता है, लॉग वाला फार्मूला, तो लॉग मॉड एक्स प्लस, तो एक्स की जगह पे क्या है एक्स प्लस 2, और प्लस अंडर रूट इसका वैल्यू यानी कि एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 6 का स्क्वायर, यानी कि ये का मतलब हुआ ये, और ये का मतलब हुआ इसके पहले वाला स्टेप, तो इसके पहले वाला स्टेप यही है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, तो जबरदस्ती वो लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 10 प्लस सी। ठीक है जी, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, इसका जो कांस्टेंट सी था और उसका कांस्टेंट डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का दो तरीका से बना सकते हैं, एक तो ऑप्शन वाइज आप डिफ्रेंशिएट कर लो, क्योंकि आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन, मतलब अगर हमसे ये इंटीग्रेशन पूछ रहा है, इसका मतलब हमसे ये पूछ रहा है कि ये कौन फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, मतलब ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन ये होगा, कौन, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो इसको उतना करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएट बारी बारी से चारों करने की जरूरत नहीं है, आसान इंटीग्रेशन है, इसको कर सकते हैं, जिस इंटीग्रेशन को करने में दिक्कत होता है उसको ऑप्शन वाइज डिफरेंशिएट करते हैं। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन,
तो डी एक्स अपॉन इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस, एक्स का ऑप्शन वन है दो है उसका आधा वन हो गया, तो ये हो गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो इससे आएगा क्या, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस टू ए बी से टू एक्स आएगा प्लस वन स्क्वायर आएगा, तो माइनस वन स्क्वायर कर दिए तो यहाँ तक मैनेज, प्लस टू फिर से लिख देंगे। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर हम क्या करना होगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये आएगा देखो एक स्क्वायर माइनस में, तो यानी एक ही आएगा माइनस में, लेकिन अब प्लस टू यानी कि प्लस वन का स्क्वायर, यानी कि ये फार्मूला हो गया वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, यानी कि टेन इनवर्स वाला फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स की जगह पे एक्स प्लस वन है और बाई ए का मतलब वन है प्लस सी, तो ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस वन और प्लस सी, ठीक है जी। यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। अब देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, आप दो तरीका से बना सकते हैं, ऑप्शन वाइज डिफ्रेंशिएट करके देख लें कि किसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाई अंडर रूट 9x माइनस 4x स्क्वायर आता है, या इसको आप डायरेक्टली इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये डी एक्स अपॉन है ना, डी एक्स अपॉन क्या है कि आप अंदर ही अंदर माइनस कॉमन ले लो, अंडर रूट के अंदर ही अंदर माइनस कॉमन ले लो या माइनस 4 कॉमन ले लो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का ऑप्शन 1 भी बन जाएगा। तो माइनस 4 कॉमन ले लो आप, क्या बचेगा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर बचेगा और माइनस 9 बटे 4 बचेगा, बचेगा ना। यानी कि इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर अंडर रूट, ये माइनस 4 बाहर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपको मालूम है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, अब तो कुछ रह नहीं गया, तो एक्स माइनस 9 बटे 4 का आधा क्या होगा, 9 बटे 8, क्योंकि हमको 2 से और नीचे डिवाइड करना होगा तब आधा होता है, तो x माइनस 9 बाई 8 का होल स्क्वायर, x माइनस 9 बाई 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन उससे क्या हमारा सब कुछ आ जाएगा, नहीं, x स्क्वायर आएगा और 2a भी करेंगे तो ये आ जाएगा 9 बटे 4 x आ जाएगा, लेकिन प्लस में 9 बटे 8 का होल स्क्वायर एक्स्ट्रा आ जाता है, तो यही वाली क्वांटिटी को घटाना पड़ता है, यानी कि माइनस 9 बाई 8 का होल स्क्वायर आप घटा दीजिए। अब ये जो 4 देख रहे हैं उसमें से तो हम आराम से 2 बाहर कर सकते हैं, भले माइनस बाहर नहीं आएगा, तो यानी कि 1 बाई 2 बाहर आ गया इंटीग्रेशन डी एक्स, और देखिए ये जो माइनस आया ना आप इसको अंदर भेज सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 9 बाई 8 का जो होल स्क्वायर है वो प्लस में हो जाएगा, और माइनस ये जो कहानी है वो x माइनस 9 बाई 8 का होल स्क्वायर आ जाएगा, समझ रहे बात को, तो 9 बाई 8 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9 बाई 8 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब ये डायरेक्ट फार्मूला पे बन गया है साइन इनवर्स वाला ना, 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर, ये काम करेगा ए स्क्वायर का और माइनस x स्क्वायर का, बस ए का याद रखना है, x का वैल्यू याद रखना है, तो 1 बाई 2 और साइन इनवर्स x बाई ए, तो x के जगह पर क्या है x माइनस 9 बाई 8, ये x हो गया, और बाई ए, बाई ए का मतलब 9 बाई 8 हो गया, और प्लस c, तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाई 2 साइन इनवर्स, एलसीएम ले लो आप, तो ये 8x माइनस 9 जी, ठीक है, सॉरी गलत कर रहे हैं, नहीं ठीक है ठीक है, और बाई ये 9 बाई 8 का 8 कट जाएगा तो ये 9 बचेगा, और प्लस c, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1 बाई 2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 बाई 9, इसका भी बी ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.4 को पूरी तरह से कंप्लीट किया है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और हम बार बार बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन सीखना है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो आप इंटीग्रेशन से कर ही लें, उससे पूरा इंटीग्रेशन का बेसिक नॉलेज आपके पास आ जाएगा, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है ना। बस अब ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत कम है कहानी, बस एक्सरसाइज 7.5 बचा है और एक्सरसाइज 7.6 बचा है, और मिसलेनियस का एक्सरसाइज 7.7 भी बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पे बढ़ेंगे। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप ज़रूर पहले से प्रैक्टिस कर लें, पार्शियल फ्रैक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, और वो में भी आप बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा, ठीक है ना। अगर चाहते हैं इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग करना है ना, फील आ जाता है, तो अगर आप वर्किंग नहीं कर रहे, हार्ड वर्क नहीं कर रहे, सीरियल वाइज वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो आपको परेशानी होगी,
इसीलिए आप सीरियल वाइज वीडियोस को देखें, ज़रूर देखें अगर इंटीग्रेशन चाहते हैं आपका स्ट्रॉन्ग हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर इम्पोर्टेंट टाइम। थैंक यू।